छोड़ दे। मसला क्या हुआ है? यहाँ पता नहीं कितना बड़ा मुसलमान बस चुका भाई। हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान है। एक तो आप पहले ही मुसलमानों का वोट बैंक दबा के रखते हो, शो नहीं करते हो। बीजेपी की गवर्नमेंट ये एक बड़ी गिरी हुई हरकत करती है। बीजेपी गवर्नमेंट के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जहाँ मुसलमान भाइयों को देखती है वहाँ परेशान करना शुरू कर देती है। जहाँ हमारी सिख बरादरी हमारे भाई हैं उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें ख़त्म करो। हम बीजेपी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि आप बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, ये चीज़ आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती है। प्रशासन जाना नहीं की गई यहाँ से, फोर्स वगैरह गाड़ियाँ गुड़ियाँ जो उनकी जेसीपी या कोई कोई गाड़ियाँ थी वो तो लेके चले गए वापस, बाकी फोर्स इधर ही है। लेकिन ये नजायज लोगों को तंग कर रहे हैं। अगर म्युनिसिपैलिटी बनाई है, पानी दे रहे हो, बिजली दे रहे हो, आप सारा कुछ दे रहे हो, सड़कें दे रहे हो, म्युनिसिपैलिटी एरिया में आते हो तो साफ हर चीज के फैसिलिटी मिलती है। फिर ये मकान तोड़ने के चोरी क्यों आना? फिर शहरिया में आना सारे बसावी के साथ करने चाहिए ना, तोड़ने चाहिए। जी जी जी, ये चीज हमारे साथ जो गवर्नमेंट बिल्कुल गलत कर रही है, हम इस चीज को बिल्कुल होने नहीं देंगे। ये इन्होंने सुबह भी पब्लिक के ऊपर लाठियां बरसाई और टीयर गैस फेंके। किसकी परमिशन से इन्होंने लाठियां चलाने शुरू कर दी? किसकी परमिशन से गोलियां चलाने शुरू कर दी? किसकी परमिशन से टीयर गैस चलाना? इनको क्या कमिश्नर साहब ऑर्डर करे कि जाओ पब्लिक को मार दो? ये क्या करेंगे? पब्लिक को मार देंगे? कहाँ फेंकेंगे पब्लिक को? अगर ये मकान तोड़ते हैं तो इनको कहाँ छोड़ेंगे? अगर पूरे जम्मू में ऐसे पब्लिक बसी हुई है, रेशमगढ़ कॉलोनी पूरी ऐसी बसी हुई है, कोई वो नहीं है, वो रजिस्टर्ड कॉलोनी नहीं है। रमेशपुरा चौक राजस्थान के लोग आके बैठे हुए हैं, क्यों? हम तो यहाँ के रहने वाले हैं। प्रेम नगर है, पीर मिठा पूरा ऐसे ही बसा हुआ है, जानीपुर पूरा ऐसे ही बसा हुआ है, तालाब तिल्लो ऐसे ही बसा हुआ है। हम तो यहाँ के पुराने रहने वाले हैं। हमको तो पहले ही ये 6 बार लूट चुके हैं। 47 में हमको मुसलमानों ने मुसलमानों को लूटा इन्होंने। 71 में लूटा हमको, 65 में लूटा हमको। ये हर बार हमें लूटने की कोशिश करते हैं। इन्होंने फिर प्लान बनाया, आज फिर प्लान बनाया कि मुसलमानों को लूट लो। कोई बात नहीं, हमारे ऊपर लाठियां बरसाओ, गोलियां बरसाओ, कुछ भी करो, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। आज जुमा के बाद तमाम पब्लिक से हमारी अपील है कि जुमा के बाद हम हर मस्जिद में लॉसमेंट कराएंगे, पब्लिक को इकट्ठा करेंगे और नेशनल हाईवे जाके बंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।